महानगरों की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ के शहरों में भी ब्राउन शुगर जैसा नशीला पदार्थ तस्करी करके लाया जाने लगा है। दुर्ग में पीते कुछ सालों से ब्राउन शुगर कई बार पकड़ा जा चुका है। वहीं अब राजनांदगांव में भी सिटी कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ने में सफलता पाई है। राजनांदगांव कोतवाली पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली TI एमन साहू ने बताया कि मुहारा बाईपास में दो लोगों के संदिग्ध रूप से घूमने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। दोनों आरोपी दुर्ग भिलाई जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि SP मोहित गर्ग के निर्देश पर एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अवैध मादक पदार्थों के विक्रय और परिवहन को लेकर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना कोतवाली को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति हैं जो अवैध रूप से मादक पदार्थ रखे हुए हैं, जिस पर थाना कोतवाली और साइबर की संयुक्त टीम ने रेड किया और उन दोनों को घेराबंदी करके पकड़े। दोनों बेसिकली दुर्ग के रहने वाले हैं। एक का नाम दीपेश साहू है, दूसरा योगेश विश्वकर्मा है, और जिनके कब्जे से लगभग 10 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जब्त हुआ है और जिनकी अनुमानित कीमत है 50,000 रुपये है। और दोनों को आज विधिवत गिरफ्तार किए हैं और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।